10,000 फंसे पड़े यार, वो ब्याज खा रहे हमारे पैसे का। भाई पीछे पुलिस खड़ी है, शीशा तोड़ के ले गया भाई, ये तो चोरी वोरी कहोगी। भाई गाड़ी इतनी ह्यूज लग रही है ना, जब ये गाड़ी यहाँ के खड़ी हुई ना, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ भाई नई वाली गाड़ी में। 1,00,000 लोगों को भी इंट्रोडक्टरी प्राइस में दे सकते हैं गाड़ियाँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टाइम हो चुका है 12 बजने वाले हैं। भाई आज हम कहीं जा रहे हैं, अभी दीपक आने वाला है, दीपक को पिक करूंगा मैं। अभी जस्ट जिम से आया हूँ, रेगुलर जिम चल रही है अपनी, ट्रिप से आने के बाद प्रॉपर जिम कर रहा हूँ भाई दोबारा से। मतलब वही है ना, आप एक बार घूम के आ जाओ ना भाई, दोबारा अपनी जिम पे और डाइट पे आ जाओ, बस यही सबसे मेन चीज रहती है बॉडी हेल्दी रखने के लिए। क्योंकि देखो हम रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है हेल्थ। मतलब इनिशियली क्या होता था ना, जब मैं ज्यादा ट्रैवल कर रहा था मनाली वगैरह से, मनाली से आया था मैं, आया था हर्सिल वैली, आते ही मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स फूड पॉइजनिंग की होनी शुरू हो गई थी। तब से मैंने सोच लिया था कि ट्रिप से आते ही सबसे पहला काम डाइट को मेंटेन करना और जिम करना, तो वो अपना स्टार्ट हो चुका है दोबारा से। और अपनी ट्रिप बहुत ही बढ़िया रही, बहुत मजा आया, होप कि आपने एंजॉय किया होगा। बाकी अपना चैनल मोनेटाइज हो चुका है भाई, डॉक्यूमेंटेशन डन हो चुकी है, रिव्यू हो चुका है, अब से आपको एड्स देखने को मिलेंगी, तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना। अभी दीपक आने वाला, दीपक को पिक करूंगा और जाना है अपने को फरीदाबाद। अपनी स्कॉर्पियो को भी पैंपर करना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से खड़ी हुई थी, अपना मेन फोकस चल रहा था थार के ऊपर, तो अब स्कॉर्पियो को पैंपर करने का टाइम आ गया। लो दीपक भी आ गया बात करते करते, तो दीपक को पिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, और बताता हूँ आपको कि हम क्यों जा रहे हैं आज फरीदाबाद। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग। आ चुका भाई, देखो ये देखो पूरा सामान ना फैला हुआ है, इसको आज सेट करवा देंगे। दीपक तू ही चला ले, मैं साइड में आ रहा हूँ, मेरे को वीडियो एडिट करनी है यार, तू ही आ जा इधर, मैं साइड में ही आ रहा हूँ। चलो भाई गाड़ी देते हैं दीपक को, और टाइम हो चुका है 12:05, निकलते हैं। चल चल यार, मैं घर गया नहीं था, मैं कपड़े साथ में ही ले आया था जाने के लिए, मैंने दीपक से मंगवा लिया लंच, तो गाड़ी में ही लंच कर लेंगे। ब्राउन राइस ही खा रहा हूँ वैसे तो मैं। अब जो गाइस, ये रहे अपने ब्राउन राइस, और इसके अंदर डली हुई है भाई दाल और अनियंस। भाई ये डाइट ले रहा हूँ मैं आजकल, बढ़िया वाली। और भाई मौसम देखो, क्लाउड्स क्या बढ़िया लग रहे हैं यार, क्लाउड्स ना आजकल बहुत ही मस्त लग रहे हैं यार मेरे को तो, जब से मानसून सीजन में बढ़िया लगते हैं ना भाई। मॉनसून सीजन ही चल रहा है, मजा आ जाता है भाई बाहर निकल के गाड़ी चलाने में, रोड पे क्लाउड्स को देख के ना, बादल बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। और भाई इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार, हम स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं यार, दीपक स्कॉर्पियो है इनका, जो बुकिंग तो इन्होंने ले ली, कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं दे रहे यार। वही देखने जा रहे हैं भाई कि कैंसिल कैसे हो, क्योंकि जो हमारी दो बुकिंग है, एक तो बुकिंग हमारी कंफर्मेशन है जो हमारी 25,000 में है, इंट्रोडक्टरी प्राइस में है, एक है हमारी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है ना, उसका भी ऑप्शन नहीं आया कैंसिल करने का अभी तक। आप भाई जाके वहाँ पता करेंगे, क्योंकि 21,000 फंसे पड़े यार, वो ब्याज खा रहे हैं हमारे पैसे का, तो क्या सेंस है यार, तुम पैसे रख के बैठे तो भाई 21,000 का ब्याज दो हमें। देखो कितने लोगों ने बुकिंग कराई होगी और कितनों के पैसे होंगे भाई उसमें, उसके बारे में भी आज बात करने जाएंगे। और भाई यहाँ पे हमारा 110 का टोल भी कटने वाला है, जो कि सबसे महंगा है, निहायत ही महंगा टोल अपने दिल्ली एनसीआर का, सबसे महंगा टोल होगा। अब तो इससे महंगा हो गया गुड़गांव वाला बादशाहपुर का, क्यों 90 रुपए का था वो, अब हो गया 140 का, 140 का टोल हो गया वो। ओ भाई चलो, ये रेस लगी हुई है भाई टोल टैक्स की। तो सो गाइस, अब हम सीधा जा रहे हैं तिकोना पार्क, ही तो है बाटा, बाटा से जाएंगे सीधा तिकोना पार्क। तो भाई वहीं पे जाके देखते हैं, जो अपना ये स्कॉर्पियो की स्टेप नहीं है उसको सेट करवाएंगे वहीं पे, बहुत बड़ी मार्केट है भाई कार की, दिल्ली वाली करोल बाग वाली तो देखी होगी, आज आपको फरीदाबाद वाली भी दिखाते हैं तिकोना पार्क, जहाँ पे आपको हर तरीके की गाड़ी रिपेयर हो जाती है भाई, एक से बढ़ के एक दुकान है वहाँ पे सर्विस वगैरह की, तो वहीं जाके अपना काम भी करवा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे भाई महिंद्रा। सामने हमारे ऑटो वाले भैया ने अभी तक तिरंगा लगाया हुआ है, देशभक्ति ना हमारे देश के एक एक इंसान में कूट कूट के भरी हुई है। इस बार ऑटो वालों ने भी अपनी रैली निकाली भाई तिरंगा लगा के, भाई मतलब इस लेवल का क्रेज था इस बार तो, मैंने आज तक मतलब इतने साल हो गए हमें देखते हुए इंडिपेंडेंस डे, इतना कभी क्रेज नहीं था जितना इस बार था, क्योंकि भाई मौका ही ऐसा था, 75 साल हो गए थे आजादी को भाई, तो उस लेवल का ही सेलिब्रेशन था। कई वीडियो देखी हमने यार, इंडिया ने स्पेस में जाके भी अपना तिरंगा फहराया, रशिया में आसमान में इतना ऊंचा तिरंगा था अपना भाई, तो मजा आ गया यार, पूरे वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया बहुत नेक्स्ट लेवल पे। और भाई सामने वाला रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ वैष्णो देवी मंदिर संस्थान की तरफ से शायद कोई जगराता वगैरह है, तो अभी एक ही रोड हो गया, यहीं से जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी मतलब तिकोना पार्क में आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है, जैसे आपको करोल बाग में मिलती है, तो उसी तरीके का ही यहाँ पे क्राउड रहता है। अल्टी पे निकाल लें, यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगी, ये वाला बंद कर रखा है। ये भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तिकोना पार्क, और यहाँ पे भाई झूला वूला रखे हैं, मेला हुआ है यहाँ पे आसपास कहीं, तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है भाई तिकोना पार्क की दुकानें। ये पूरा यहाँ से पूरी दुकान है रिपेयर की, यहाँ पे पास में एक महिंद्रा का सामान मिलता है एक दुकान पे, उसके आसपास लगा। अच्छा वैसे चीज कामयाब है ना? हाँ जी हाँ जी, ये तो वही वाला है, कंप्यूटर की वो वाला चीज है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो दे दो भैया ये।
तो जी गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पे। देखो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, बड़ी मुश्किल से भाई स्पेस मिलता है। अब दिक्कत आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या हुई है। तो यहाँ पे अपना ये स्टेपनी का चैनल है ना, ये हो गया भाई फ्री, तो ये अब चेंज होगा। यहाँ पे सामने ना महिंद्रा के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, सामने इधर महिंद्रा के सारे जेनुअन पार्ट्स भी मिल जाते हैं, आपको कॉपी भी मिल जाएंगे। भी जो हमने चैनल लिया है ना वो जेनुअन ही लिया है, उसको एक बार लगवा देते हैं, भैया को दे दिया वो चैनल निकलवा के। और रेट मैं आपको एक थोड़ी देर में बताता हूँ कितने का पड़ा है वो। के लिए भाई अपने को किचन का ये बॉक्स निकालना पड़ता है और एक मिनट का काम है, ये तो निकाल के ऊपर रख दिया मैंने, बाकी एक बार इसको फिट करवाते हैं फिर चलते हैं। तो भाई आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ नया चैनल, ये है भाई नया चैनल जो अभी हमने खरीदा है महिंद्रा वाले स्टोर से, तरीके का होता है। और ये जो है ना आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ फ्री हुई है, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना ये फ्री होगी है। और ये फ्री इसलिए हुई है क्योंकि जो मशीन से ओपन करते हैं ना इसको, मशीन पूरा घुमा देती है उसकी वजह से फ्री हुआ है। मशीन से जो टायर के बोल्ट वगैरह खोलते हैं तो भाई उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए, ना स्टेपनी के लिए ना टायर्स के लिए। अपने को सीख मिल गई, एक अपना चैनल खराब हो गया तो अपने को नॉलेज मिल गई है। तो भाई ये था अपना पुराना वाला जो निकाल दिया है भैया ने, और क्वालिटी ओके लिख रही है, पर ये भाई 1.5-2 साल में ही खराब हो गया। मतलब खराब तो खैर हमारी गलती से हुआ है क्योंकि जो मशीन यूज करवाते हैं ना भाई इसको खोलने में, वो इसका चैनल कर देती है फ्री। टायर खोलने में भी मशीन यूज नहीं करनी चाहिए, उसके बोल्ट भी सारे घिस जाते हैं उसी वजह से, तो चेंज करवा देते हैं। उसके बाद भाई अपना स्टेपनी लगवा देंगे, स्टेपनी रखी हुई थी हमने बीच में। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी हो ना, जैसे स्कॉर्पियो बुलेरो जितनी भी खड़ी हुई है यहाँ पे, इधर हो जाता है भाई काम और यहाँ से आ जाता है सामान। ये महिंद्रा का ओरिजिनल स्टोर है, जो काम आप कंपनी में जाकर करवाओगे ना महंगा, वो यहाँ सस्ता हो जाता है तिकोना पार्क में, बेस्ट चीज यही है। बाकी एक बार इसको लगवाते हैं फिर उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल का रेट भी बताता हूँ, जो कंपनी में इसके रेट मेरे को बताए थे और जो अभी मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, पूरा आपको एक बार कॉस्टिंग बता दूंगा मैं, एक बार हो जाए। चलो गाइस चलो चिल बॉयज। भाई प्यास लगी बहुत ज्यादा, गर्मी है तो बहुत खतरनाक वाली गर्मी है, धूप निकल रही है कैडी। एक सब्सक्राइबर भी बढ़वा दिया भाई हमने, जो हमारी गाड़ी में काम कर रहा था ना भाई, वो ही कह रहा था भैया अपना चैनल का नाम बताओ भाई, उसी में वीडियो वो कह रहा चैनल का नाम बता दो, इंस्टाग्राम बता दो, दोनों फॉलो करता हूँ अभी बड़ा एक मिनट लगा बस तू। तो भाई आप भी जल्दी से सब्सक्राइब करो यार अपने चैनल को, देर किस चीज की है। ठीक है चलो फिर। भाई पीछे पुलिस खड़ी है, शीशा तोड़ के ले गया भाई, ये तो चोरी वोरी का होगी। मैं कह रहा था तेरे से लैपटॉप निकालने में, एक मिनट लगाते हैं भाई, शीशा तोड़ के सामान निकाल लेंगे उसमें से। भाई शीशा तोड़ रखा राइट साइड से ड्राइवर वाला, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। ये भाई ये भीड़ भाड़ ज्यादा है ना इस एरिया में, एरिया में नहीं हर जगह ही है, NCR में गए एक मिनट लगाते हैं भाई, पता भी नहीं चलता ऐसा उनके पास पिन है, पिन को ऐसे लगाएंगे टूट जाएगा, आवाज नहीं आती उसमें शीशा टूटने की, पता ही नहीं लगती है ना, पता ही नहीं लगेगा कब टूट गया। एक बार ऐसे ही उसकी भी हुई थी हरभजन सिंह की, कई कई करोड़ का सामान चोरी हो गया था एक बार उसमें, कह रहा मैं गाड़ी के पीछे खड़ा हूँ मेरे को पता ही नहीं चली शीशा टूट गया मेरा। इन चीजों से थोड़ा सा बच के सतर्क रहो, अपना लैपटॉप वैसे हाथ में ही रखते हैं क्योंकि वही है भाई एडिटिंग के लिए अपने साथ रखना पड़ता है। बाकी ये है भाई एक नंबर मार्केट फरीदाबाद की, ये देख लो आप यहाँ पे भी सब सामान मिल जाता है भाई, पूरा मतलब क्राउडेड एरिया ना यही है जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं, एक नंबर मार्केट है तिकोना पार्क है, यहाँ पे एक्सट्रीम क्राउड रहता है, जैसे अभी तो इतनी गर्मी है फिर भी यहाँ पे देखो भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पे भाई। अभी जो हमने काम करवाया ना, अगर यही काम मैं महिंद्रा में करवाने जाऊँ ना भाई 5-6 हजार से कम का नहीं होगा, क्योंकि महिंद्रा में जो ये पार्ट है जो ये चैनल है भाई 3,000 रूपए का, जो मैंने लगवाया यहाँ से वो लगाया अपना 1,300 रूपए का, प्लस इसमें जो लगाने वाले ने सिर्फ लिए 300 रूपए, मतलब 1600 रूपए, 1500-1600 रूपए में अपना पूरा काम हो गया। तिकोना पार्क के लिए यही खासियत है, जो आपका काम महिंद्रा में 5-6 हजार रूपए में हो रहा है ना, वो काम यहाँ पे भाई सिर्फ मात्र 1500-1600 रूपए में हो जाता है, देख लो भाई। इसलिए बेटर है कि आप अच्छी जगह जाओ, सर्टिफाइड जगह जाओ, क्योंकि यहाँ पे महिंद्रा का सारा सामान मिल जाता है भाई, पार्ट्स मिल जाते हैं, बट कंपनी में जाके करवाओगे तो भाई वो कंपनी वाले चार्जेस होते हैं, GST-BST दुनिया भर की चीजें होती है, उस चक्कर में तो वो महंगी हो जाती है चीजें। बाकी अगर करवाना है सस्ते से सस्ता काम, आ जाओ तिकोना पार्क फरीदाबाद के, अगर डेली NCR में रहते, डुप्लीकेट ही ज्यादा है कौन बाग में, वहाँ पता नहीं लगता कौन सी चीज ओरिजिनल दे रहे कौन सी लोकल दे रहे। एक्चुअली क्या है ना भाई, अगर इंजन का काम करवाना है तो भाई ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही जाओ, बिल्कुल। अगर वैसे मतलब कोई हार्डवेयर का काम है, बाहर से गाड़ी में कुछ हो गया, क्रैक हो गया, स्क्रैच हो गया, या फिर कोई बाहर से चीज टूट गई है, तो भाई वो बाहर करवा लो यार, इनके लोकल मैकेनिक है, इनका भी तो पेट भरना चाहिए, इनका भी तो काम जैसे लोगों से ही चलेगा यार। जो क्या है ना एजेंसी है, एजेंसी में उनकी फिक्स इनकम है भाई, उनके पास काम आए ना आए उनको इनकम मिलनी ही मिलनी है, अगर इन लोगों के पास हम जैसे लोग जाना छोड़ देंगे तो इनको फिर कैसे सैलरी मिलेगी। दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखो, अपनी गाड़ी भी मस्त रहे और बंदे भी मस्त रहे भाई, इसलिए तिकोना पार्क में काम करवा सकते हो। अगर आप महिंद्रा या स्कॉर्पियो या थार हो सारे काम करते हैं, भाई से पूछ ली थी अगर महिंद्रा को कोई भी काम कर दो, कह रहा भाई कोई भी काम, स्कॉर्पियो तो कह रहा हमने खोल कर रखी है, जो हम प्लान कर रहे हैं ना वो सारा ही 360 डिग्री टर्न हो जाए, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जानने को मिलेगा। बाकी चलो फिर चलते हैं एक बार महिंद्रा, और दीपा अपने स्टिकर्स भी हटवाने हैं इस वाली गाड़ी पे, स्टिकर्स हटवाने हैं, नए चैनल के स्टिकर लगवाने हैं, ये है कि पुराने चैनल के जो लोग हैं उस चैनल पे आ चुके ऑलमोस्ट, सब्सक्राइब कर लो भाई इसी बात पे। तो भाई नए चैनल के स्टिकर्स लगवा दें, पाठे ब्लॉग्स वाले हटवा देंगे क्योंकि पाठे ब्लॉग्स में अपनी वीडियोस आ नहीं रही हैं, रेगुलर वीडियोस आई था इंडियन ओवरलैंडर पे तो ऐसी आती रहेंगी। सो गाइस हम आ चुके हैं वसीम आर्ट पे, और भाई यहाँ पे हम अपना स्टिकर लगवा रहे हैं स्कॉर्पियो पे, क्योंकि हमने देखो थार पे तो लगवा लिए थे स्टिकर, और ये स्कॉर्पियो पे पुराने वाले लगे हुए हैं,
तो इनको भी चेंज करवाने के लिए हम आ गए यहाँ पे। बढ़िया से स्टीकर लगवाएंगे, यूट्यूब का लोगो और इंस्टाग्राम का लगवा देंगे, इंडियन फ्लैग लगवा देंगे बना के। साइड में जितने भी अपने पुराने लोगो लगे हुए ना सारे हटा देंगे। भाई हमारे लिए पानी भी ले आया, भाई प्यास लगी बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम काम करवाने के लिए आए थे, और आपको इसके बाद ना दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ, स्कॉर्पियो ही। और कौन सी नई वाली, ये देखो स्कॉर्पियो N आ गई है यहाँ पे अपने सामने, क्या खतरनाक लग रही है ब्लैक कलर में। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप कैसे हो? आप टेस्ट ड्राइव नहीं करवा रहे हो हमें? भाई टेस्ट ड्राइव करा देंगे, आपसे मना कब किया आपने? कर रखी है बाकी टेस्ट ड्राइव करेगा। टेस्ट ड्राइव में चार पांच बार गाड़ी चला ली भाई, गाड़ी अपनी आ रही है ना, एक्चुअली वेट नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, सोचा टेस्ट ड्राइव से शौक पूरा कर, जल्दी दिलवा दो यार हमें गाड़ी। हाँ बिल्कुल, जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो अपडेट आएगी फिर अपडेट करेंगे। हाँ अपडेट करो यार हमारे लिए। डिलीवरी कब से स्टार्ट हो रही है? भाई गाड़ी इतनी ह्यूज लग रही है ना, जब ये गाड़ी यहाँ के खड़ी हुई ना तो मेरे को समझ नहीं आई कौन सी गाड़ी है। मैंने साइड में से देखा, मैंने दीपक से कही मैं भाई एक बार गाड़ी देखो कौन सी आई है, देख रहा हूँ तो भाई स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, ये देखो कितनी ह्यूज है। अब दोनों गाड़ियों को एक बार देखो, यहाँ से देखना ये पुरानी वाली स्कॉर्पियो खड़ी है और ये नई वाली खड़ी है, ये देखो भाई अल्टीमेट लग रही है दोनों गाड़ी। आप खुद बताओ भाई, गाड़ी बहुत ही ज्यादा ऊंची और बहुत ज्यादा लंबी है गाड़ी। Z8 मतलब टॉप वेरियंट है, टॉप बढ़िया लग रही है भाई, मतलब ब्लैक कलर में ही मैंने बुक कर रखी है गाड़ी। और मेरा Z6 है, और ये है भाई 4 एक्सप्लोर तो नहीं है भाई, 4x4 तो नहीं है? 4x4 आती है, 4x4 आती है, 4x4 आती है, वो है 4x2 पेट्रोल टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, 4x4 नहीं आती। हाँ डीजल में आएगी 4x2। बढ़िया लग रही है यार ये गाड़ी, ऐसे मन कर रहा हूँ उठा के ले जाऊं इसे। ठीक है जल्दी मिलेंगे। और वैसे हम अभी आ रहे हैं वही क्लासिक खड़ी है अपने पास, क्लासिक खड़ी है टेस्ट ड्राइव में। ठीक है अभी आ रहे हैं बस थोड़ी देर। तो भाई अपना इंस्टाग्राम का लोगो भी बन गया, इसके साथ साथ यूट्यूब का भी लगवा देंगे। नहीं ही लगेगा यहीं पे, यहाँ पे लगेगा, बीचों बीच लगेगा, एक इंस्टाग्राम का और एक यूट्यूब लग रहा है मेरे को, सेंटर ही लग रहा है वैसे। तो भाई इस बार ना मैंने थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करवा दिया, लास्ट टाइम वाला जो फॉन्ट था वो दूर से दिखाई नहीं देता था, ये वाला फॉन्ट बढ़िया लग रहा है मेरे को, बढ़िया तरीके से दिखेगा। वैसे तो इस गाड़ी पे पता नहीं कितने दिन के लिए रहने वाला है, बट जितने भी दिन अपने पास रहेगी गाड़ी एटलीस्ट अपना नाम उस पर रहना चाहिए, तो इसलिए स्टिकर्स चेंज करवा रहे हैं। क्योंकि जो पुराने वाले पे लोग जाए तो वो बेटर नहीं है, क्योंकि यार अपनी गाड़ी दोनों घूमती है, कभी ये घूमती है कभी थार घूमती है, तो जब तक है अपने पास तब तक तो अपना नाम अपडेटेड रहेगा इस पर। सारे स्टिकर्स अपडेट हो चुके हैं, अब द इंडियन ओवरलैंडर के स्टिकर्स ही आपको देखने को मिलेंगे अपनी स्कॉर्पियो में भी। और भाई अब हम जा रहे हैं महिंद्रा में, और आपने थोड़ी देर पहले स्कॉर्पियो देखी है नई वाली, भाई क्या फाट लग रही है भाई ब्लैक कलर में ना, दिल ही आ गया। मतलब मेरा बीच में ना थोड़ा सा डाइस ही हो गया था, अभी थार का ना 5 डोर वाला वर्जन भी आ चुका है, तो ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो टेस्टिंग चल रही है गाड़ी की। जब मैंने देखी थी ना थार वाली वीडियो भाई, एक बार को तो मूड हो गया था कि भाई थार ही लेंगे 5 डोर वाली। अभी जैसे मैंने दोबारा देखी ना स्कॉर्पियो N, भाई दोबारा से फिर मूड चेंज हो गया, नहीं भाई स्कॉर्पियो नहीं लेंगे। नहीं कंफ्यूजन हो जाती है ना कि एक तो हम थार चला रहे हैं, थार की कैपेबिलिटीज है, प्लस अब जो स्कॉर्पियो N जो आई है भाई A1 आई है, नहीं ब्लैक कलर में एक नंबर भाई, गाड़ी बहुत जबरदस्त है यार। मतलब वो तो है ही यार गाड़ी, सबको बताइए जबरदस्त है, पर अभी देखी ना ब्लैक, ऐसे मन कर गया यार जल्दी से अपने पास भी आ जाए यार स्कॉर्पियो N। मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो वो ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो N थी, तब मैंने ब्लैक वाली देखी ना जो हमने बुक कर रखी है, हमने ब्लैक ही बुक कर रखी है भाई। पहले तो मेरे को पता ही नहीं चली गाड़ी कौन सी आई है, पक्का बोला भाई एक बार चेक करियो कौन सी गाड़ी है ना, ग्लॉस्टर सोच रहे थे इतनी ऊंची गाड़ी है। आगे आके वो भाई उतरा, वो हमारे जानता ही था भाई, जाके देखी भाई स्कॉर्पियो N थी वो, कमाल ही भाई मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया। मतलब जो गाड़ी हमने बुक करवा रखी है ना, इसका मतलब हमने सही बुक करवा रखी है। देखो उसका अपडेट लेते हैं एक बार जाके प्राइम में, एक और नई गाड़ी का भी अपडेट देते हैं। अपने पास कमेंट आया था कि भाई क्लासिक के बारे में भी कुछ बताओ, तो उसको भी देख रहे हैं अभी हम, उसका हो सकता है कि एक अलग से एक रिव्यू वीडियो आपको देखने को मिल जाए इस व्लॉग में कि क्या चेंजेस आए हैं। देखो हमारी वाली 2019 मॉडल है, जो नया है 2022 जो क्लासिक आई है, अब उसमें इससे क्या डिफरेंस आया है वो सारी चीजें आपको एक अलग व्लॉग में देखने को मिलेगी। एक बार महिंद्रा चलते हैं, वहां जाके अपनी बुकिंग की बात करते हैं और क्लासिक देखते हैं। ठीक है चलो लो जी, वी हैव रीच्ड महिंद्रा। सो गाइस सामने खड़ी हुई है अपनी ब्लैक बीस्ट, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ भाई नई वाली गाड़ी में। तो नई वाली कौन सी गाड़ी है वो नेक्स्ट व्लॉग में देखना, दोनों का कंपैरिजन दिखाने वाले हम, उसी के लिए अभी बाहर जा रहे हैं भाई। टाइम हो चुका है 3:25, 3:30 बज चुके हैं भाई, और अपने को 4:30 तक यहाँ से निकलना है। सामने वाली गाड़ी देख लो भाई अपनी, मस्त लग रही है ना। लो जी भाई दीपक भी आ चुका है गाड़ी लेके, दीपक ने दूसरा रूट लिया है, दीपक आया बल्लभगढ़ वाली साइड से, मैं आ गया था भाई बाटा चौक से। बाकी अब चलते हैं भाई घर और आपको फीडबैक देते हैं कि हमें क्या अपडेट मिला है स्कॉर्पियो N का, वो भी आपको ना। अब हम निकल चुके हैं भाई महिंद्रा शोरूम से, भाई क्या अपडेट है दीपक? अपडेट भाई ये है कि गाड़ी मंडे को इनके पास लिस्ट आ जाएगी, किस किस के गाड़ी का कब नंबर लग रहा है, और बाकी 26 सितंबर से डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली मंडे को पता चल जाएगा भाई अपनी गाड़ी कब मिलेगी, ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। बाकी पता चलेगा भाई, वो तो महिंद्रा का आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला, महिंद्रा कब दे रही है, कब ले रही है, क्या कर रही है,
रख के बैठी है, देगी भी नहीं देगी, कब देगी, कैसे देगी, कुछ नहीं पता भाई महिंद्रा का, महिंद्रा ही जाने। बाकी भाई इन्होंने तो बोला है कि मंडे को पता चल जाएगा, तो भाई मंडे को अपने को अपडेट मिल जाएगा। बाकी यार इसमें थोड़ी सी भसड़बाजी ज्यादा होगी स्कॉर्पियो एन में, कि वही बुकिंग वगैरह ना बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे भाई कि उनको बुकिंग क्लोज करनी थी 25,000 के बाद, बट वो क्लोज नहीं हुई, सिस्टम ही फेल हो गया, वो इस वजह से एक्स्ट्रा बुकिंग हो गई है। हाँ मतलब वही है कि भाई अभी एक चीज और उन्होंने बताई थी कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो दी है, मतलब वर्बल है यार, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, इट्स नॉट ऑफिशियल। जो महिंद्रा का प्लान ये भी बन रहा है कि 1,00,000 जो लोगों की बुकिंग हुई है ना, वो 1,00,000 लोगों को भी इंट्रोडक्टरी प्राइस में दे सकते हैं गाड़ियां। इस पे बात चल रही है, इस पे उनका डिस्कशन चल रहा है कि भाई ये हो सकता है, इट्स नॉट ऑफिशियल येट। बाकी जो होगा भाई, जो किस्मत में होगा वो महिंद्रा लिख देगी हमारी में, बाकी पता चलेगा कब मिलेगी कैसे मिलेगी। सो गाइस एक काम करते हैं, हम इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको अपडेट भी मिल गया स्कॉर्पियो एन का, प्लस हमारे जो स्कॉर्पियो में काम करवाना था वो हो गया, रबिंग का काम करवाएंगे, इसको वॉशिंग करवाएंगे, प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, इसको ससुराल भेजना है वो आपको पता चलती रहेगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जल्दी से एक ट्रैवल सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो चलो अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। I'm gonna go get some more.